भाई आज रक्षाबंधन है ना, आज सारी बहन अपने भाई को राखी बांधती है ताकि उसकी उम्र लंबी हो। चलो आप भी बंधवा लो। देख ऐसा है ना, वो दूसरे की बहन है ना, वो उम्र लंबी करने के लिए राखी बांधती है, लेकिन तू प्रॉपर्टी के लिए सब कर रही, मुझे सब पता है। भाई जैसा तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, गलत समझ रहे हो। अरे नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाबूजी के जाने के बाद तो आप ही हो ना जो हो। मैं और किसी से, और कौन है मेरा, अभी बताओ, आप ही हो ना। बस आप राखी बंधवा लो, बस हो गया। मैं नहीं आऊंगी आपके घर, बस राखी बंधवाऊंगी और कुछ नहीं। भैया प्लीज देखो ना, आप राखी बंधवा लो प्लीज। देख तुझे समझ नहीं आता, एक बार में जब मैंने बोल दिया मुझे नहीं बंधवाना तो नहीं बंधवाना। अगर मैं अभी बंधवा लूँ तो थोड़ी देर बाद आके बोलेगी मुझे ये दे दो, मुझे ये भैया ये दे दो। मुझे तुमसे राखी बंधवाना ही नहीं है, समझी तू? जा यहाँ से, मुझे नहीं तुझसे राखी बंधवाना। मैं ना बस भाई का प्यार चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं। जो आपका है ना वो आप ही रखो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे मुझे राखी बांधने दो प्लीज भैया। अभी तुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कहाँ जाऊंगी भाई, आप तू कहीं जा। हाँ बहन, हाँ बहन मैं बॉर्डर पे पहुँच गया हूँ। हाँ हाँ, अरे बहन बस एक बात बताना चाह रहा था कि मैं तो तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस हाथ में तुम मेरे राखी बांधी हो वही हाथ बच गया है, बाकी एक बम धमाके में मेरा एक हाथ चला गया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारे जैसी मेरी बहन है। हाँ हाँ, नहीं नहीं टेंशन की बात नहीं है, हाँ घबराने की बात नहीं है, आप घबराओ मत। बस यही है कि मेरा वो हाथ बच गया जिस हाथ में तुम राखी बांधी हो। ठीक है बहन, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। आप लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ वो राखी बांधने आई थी भाई को। तो राखी बांधी ना? नहीं बंधवा रहे हैं ये। क्यों? ये सोच रहे हैं कि मैं राखी बांधने के बहाने इनसे प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ। देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी जो है ना उसमें इनका भी हक है, ठीक है? और ये प्रॉपर्टी चाहेंगी तो ले भी सकती हैं, नहीं भी ले सकती हैं, कानूनन इनका अधिकार है। लेकिन आप ये सोच करके इनसे राखी नहीं बांध रहे हो तो ये गलत है। अब देखो ना, इत्तेफाक से इसमें हम लोगों का ही फ़ायदा होता है। आज मेरी बहन ने रक्षाबंधन पर मेरे हाथ में राखी बांधी और आज देखो मेरा ये हाथ सलामत है और ये हाथ आज बॉर्डर पे शहीद हो गया। देखो मैं पूरा बात सुन रहा था पीछे से और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माँ बाप नहीं हैं और ये बहन जो है ना आपकी, आपके अंदर में अपने माँ बाप ढूंढ रही है। तो प्लीज़ ऐसा मत करें आप। चलिए राखी बनवा लीजिए, आप राखी बनिए। बहन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जब भी कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उसे कुछ गिफ्ट में देता है। नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ना मुझे भाई वाला प्यार चाहिए, बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो बहन तुम्हारा गिफ्ट ये है कि आज के बाद पापा के प्रॉपर्टी में आधा तुम्हारा और आधा मेरा। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छा लगा देख करके। चलिए हम यही चाहते हैं कि ऐसा प्यार सबके बहन के भाई बहन के बीच में हो।